देख रहे हैं satyahindi.com। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। तकरीबन 6.5 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और 24-25 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसी तरह इसने अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाही की ओर तेजी से मुड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रमुख ने थोड़ी देर पहले ये घोषणा की है कि दुनिया मंदी की चपेट में आ गई है। IMF ने औपचारिक ऐलान किया है कि पूरी दुनिया में मंदी शुरू हो चुकी है और ये मंदी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है। उन्होंने इसके प्रमुख IMF के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये स्थिति 2009 की मंदी से भी बदतर होगी। 2009 की मंदी की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही बुरा असर हुआ था, लेकिन इस बार बात उससे आगे जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 80 से ज्यादा देशों ने सहायता की अपील कर दी है, आवेदन दे दिया है और वो देश चाहते हैं कि IMF उनकी मदद करे। इन सभी देशों को मदद करने के लिए IMF को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पूरी दुनिया को लगभग $2.5 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। ये $2.5 ट्रिलियन दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किए जाएंगे, उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार हो सकती है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, इस साल इस कोरोना संक्रमण के पहले की जो स्थिति थी वो IMF ने अनुमान लगाया था कि लगभग $50 अरब की मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जॉर्जीवा के मुताबिक $50 अरब बहुत ही कम है, इस पैसे से कुछ भी नहीं होगा, $2.5 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि 2021 तक कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा, उस पर नियंत्रण हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि 2021 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आए और तब एक बार फिर मंदी से बाहर निकले और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगे। इसके साथ ही मैं भारत के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जो एक अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट और रेटिंग एजेंसी है, उस मूडीज ने कहा है कि भारत में विकास दर बहुत ही तेजी से गिरेगी। उसने अनुमान लगाया है कि 2020 में भारत का GDP ग्रोथ रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर है वो 2.5% तक जा सकती है। इसके ठीक पहले, थोड़ी देर पहले, इसी मूडीज ने भारत के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 5.8% किया था और वो आधे से भी कम आ गया, मतलब 2.5%। यही हाल दूसरे देशों की भी है, यही हाल अमेरिका में भी है। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर मंदी का ऐलान भले ही न किया हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यह माना है कि वहां मंदी आ सकती है और इस मंदी से बचने के लिए ही थोड़ी दिन पहले, दो दिन पहले, ट्रंप प्रशासन ने $2 ट्रिलियन के राहत पैकेज की, एक पैकेज की घोषणा की, जिसका बड़ा हिस्सा छोटे और मझोले उद्योग के उद्यमियों को जाना था ताकि वे किसी तरह अपने कामकाज को रिवाइव कर सकें, ठीक कर सकें और अमेरिका को मंदी से बाहर ला सकें। यही हाल लगभग चीन, साउथ कोरिया और जापान की भी है। जहां तक चीन की बात है, चीन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह बैठ चुका है। चीन का पूरा सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, क्योंकि वहां इस कोरोना वायरस की वजह से कारखाने बंद हो गए हैं, उनका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर था वो ठप पड़ा हुआ है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से चीन में उत्पादन रुका हुआ है और चीन में उत्पादन रुके हुए होने की वजह से लोगों का यह भी अंदाज है कि चीन का जो GDP ग्रोथ रेट है वो शायद 4% या उससे भी कम हो, जबकि चीन का GDP ग्रोथ रेट अभी कुछ दिन पहले तक 6.5% था, 6.5% था, जिसे काफी एक हेल्दी ग्रोथ रेट कहा जाता है। जापान की भी यही स्थिति है। जापान का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें बुरी तरह मंदी आई हुई है। साउथ कोरिया का जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट सेंटर है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसमें मंदी आई है, उनके टेलीकॉम इंडस्ट्री में मंदी आई हुई है। और भारत के बारे में तो अभी अभी बात हुई है कि भारत में GDP ग्रोथ रेट 2.5% हो सकता है और यह सब हो रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से। तो
कोरोना संक्रमण किस तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने जा रहा है, बदहाल करने जा रहा है, ये इसकी एक मिसाल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा और हो सकता है कि उसके बाद धीरे धीरे हम सभी मंदी से बाहर निकल आए। हमें इंतजार करना होगा उस समय का। तब तक आप देखते रहिए satyhindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें satyhindi.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।